हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे चने की सब्जी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे ये हमारी आंखों की रोशनी तेज करता है, बालों में चमक लाता है और चेहरे की झुर्रियां भी कम करता है। तो इतने सारे फायदों से भरपूर ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हरे चने की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये मैंने 300 ग्राम हरे वाले चने लिए हैं, 1 कप दही लिया है, 2 हरी मिर्च लिए है, इसको इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, 2 बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, जीरा लिया है थोड़ा सा, लहसुन की कलियां 10 से 12 बारीक कटी हुई, हरा धनिया, सूखे मसालों लिया हमने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, सब्जी अच्छी बनती है इससे। दही तो अच्छे से फेंट लिया है, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। नमक हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, दही के साथ नमक नहीं मिलाएंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही के साथ मसाला बनाने से सब्जी टेस्टी बनती है और चने थोड़े फीके होते हैं, तो उसमें दही की खटाई जरूरी है। आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाला तैयार है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अभी हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तभी हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग। हींग और जीरा दोनों ही चटक जाने के बाद इसमें डाल देते हैं हम लहसुन की कलियां, हल्का सा भून लेंगे इनको भी। आप चाहे तो लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं यदि आपको इसका टेस्ट ज्यादा पसंद है तो। मैंने इसको ऐसे बारीक काट के डाला है इसमें, साथ ही डाल देते हम ये बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक चलाएंगे। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, अभी हम इसमें डाल देते हैं ये मसाला जो दही के अंदर हमने बना के रखा था, और इसे लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना दही फट जाता है, और गैस की फ्लेम है जो हाई रखनी है हमें। लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही है जो फटे नहीं। अभी हम लगातार चलाते हुए मसाले को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही में अभी हम ये मिर्च भी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी पक जाए अच्छे से। इसी तरह 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से पकाएंगे हम। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, इसमें ऐड कर देते हैं हम ये टमाटर, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। साथ ही इसमें डाल देते हैं ये चने, चनों को हमने बॉईल कर लिया है ताकि सॉफ्ट हो जाते हैं, और दही के मसाले के अंदर सॉफ्ट चनों को बॉईल करके ही डालें वरना ये पकते नहीं है अच्छे से, खटाई से चने जो पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको बॉईल जरूर करें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, नमक ऐड नहीं किया था हमने, 1/2 छोटे चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। चने की सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा फुल पाई जाती है, इससे हमारे शरीर को कई सारे फायदे होते हैं, तो आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को।
अब हम इसे 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि चने हैं जो अच्छे से मसालों के साथ घुल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को हमने अच्छे से पका लिया है, तो अभी हमें चेक कर लेते हैं इसे। सब्जी अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं तेल अलग हो गया है और काफी सॉफ्ट भी लग रही है। अभी हम इसमें डाल देते हैं हरे धनिए। हरे धनिए से सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको पुदीना खाना पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब्जी बनके तैयार है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्जी को सर्व कर देंगे। ये हमारे हरे चने की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत अच्छी लगती है, बनने में बहुत झटपट है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको रोटी, चपाती या पराठा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।